नमस्ते बच्चों, 5.3 का दूसरा क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे, दूसरा क्वेश्चन 5.3 का दूसरा क्वेश्चन है, योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 + 10 सही 1/2, फिर प्लस, उसके बाद लिखा हुआ है 14, फिर प्लस और डैश डैश करके 84 लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ प्लस का निशान है, तो इसके अंदर क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। योगफल ज्ञात करना है, पहले लिखेंगे हल। ए बराबर कितना है 7, डी कितना हो जाएगा 10 सही 1/2 माइनस 7, 10 × 20 21/2 हो जाएगा माइनस 7/1 मान लेना, एलसीएम ले लेना, 2 आ जाएगा 21 माइनस के 2 में 2 का भाग ले, 1 आएगा, 1 को 21 से गुणा 21 आना है, और 2 × 7 = 14, 21 में से 14 जाएंगे 7/2, डी का मान कितना आ जाएगा 7/2। ये जो मान है वो ए एन है, क्या है ए एन दे रखा है, यहाँ लिख दीजिए ए एन बराबर में 84 है, ठीक है। इस ए एन की सहायता से हम एन ज्ञात करेंगे, तो पहले ए एन का सूत्र लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है ध्यान देखो 7, प्लस एन तो ज्ञात करना है आपको एन माइनस 1, डी कितना दे रखा है आपको 7/2 दिया है ध्यान रखना, और ए एन दे रखा है कितना 84 लिखिए यहाँ, ठीक है। ये प्लस का 7 है, इधर ले आओ 84 माइनस 7 हो जाएगा 7/2 की n में गुणा करो तो 7/2 n हो जाएगा, माइनस 7/2 की 1 में गुणा करो 7/2 हो जाएगा, ठीक है ना। 84 में से 7 जाएंगे कितने बच जाएंगे आप लोगों को पता है, 77 बच जाएंगे, कितने बचाएंगे 77, ठीक है ना, कितने बचाएंगे 77 बराबर में 7/2 n माइनस 7/2। अब ये माइनस का 7/2 इधर लियो, 77 प्लस 7/2 बराबर में 7/2 n हो जाएगा, इसमें 2 का एलसीएम ले लीजिए, 2 को गुणा कर 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 15 हो जाएगा, ठीक है ना। ये एरो का निशान जरूर लगा दीजिए, प्लस 2 में 2 का भाग लगाएंगे 1 आएगा, 1 को 7 से गुणा करोगे 7 आएगा, ये 7/2 n हो जाएगा, ठीक है। 154 में 7 जोड़िए 161 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 161/2 बराबर में 7/2 n हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से 2 यहाँ से काट सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 161 बराबर में क्या आएगा 7 n आएगा। अब ये 7 इसके बट्टे में कर दीजिए 161/7, ठीक है, ये n तो यहीं रह जाएगा। अब इसमें भाग लगा दीजिए, 7 × 2 कितने होते हैं 14 होते हैं, कितने होते हैं फिर 2 बच गए, 7 × 3 = 21 हो गए, n बराबर कितना आ गया 7 × 3 = 21 हो गए, n बराबर 23 आया है, ठीक है ना। अब अपने को योगफल याद करना है, क्या याद करना है योगफल, एस एन वाला सूत्र लगाना है, ठीक है ना। एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a, ठीक है ना, और प्लस n माइनस 1 और ये ब्रैकेट में डी भी है, ठीक है ना, ये ऐसे लगा देना, एन का मान कितना 23 है तो 23/2 लिख दीजिए, 2a का मान कितना है अपने पास में 7 है, यहाँ 7 लिख दीजिए, प्लस n का मान 23 है या 23 − 1 लिखो 23 − 1, d का मान कितना आया था 7/2 आया था तो 7/2 लिखो और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 23/2 2 × 7 = 14 हो गए, प्लस 23 में से 1 जाएगा 22 बचेगा, कितना बचेगा 22 और ये 7/2 है, फिर देखो 23/2 ब्रैकेट बंद 14 2 से कट जाएगा ये 11 आ जाएगा, 11 × 7 = 77 होता है, 23/2 इंटू अब 14 और 77 जोड़ लीजिए 7 × 4 = 11 आंसर 1 7 × 8 = 9, ठीक है ना, 91 आ गया। अब आपको क्या करना है 23 को 91 से गुणा करनी है और
91 को 23 से गुणा करो, देखो यहाँ पर गुणा करके देखते हैं लोग, आपके सामने सारा कुछ किया जाएगा। पहले 91 लिखो और 23 लिखो, गुणा करो यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 नम 27, ठीक है, 2 एकम 2, 2 निम 18, 3 7 2 9, 8 2 10, 1 रिक्त हो, कितना आ जाएगा 2093 बट्टा 2 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 2093 बट्टा 2। अब आपको क्या करना है, इसमें 2 का भाग लगा दो, 2093 के अंदर 2 का भाग लगा दीजिए, 2 एकम 2, ये 0 आ गया ना, 0 9 उतर के, तो एक संख्या यहाँ वो 0 आ जाएगा, 9, 2 चौके 8 होते हैं क्या, 2 चौके 8, 1 बच गया 3, 2 छिंग 12 होते हैं, कितने होते हैं 2 छिंग 12, फिर 1 बच जाएगा 1046 सही 1 बटा 2 आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 1046 सही 1 बटा 2, यहाँ लिख देते हैं 1046 सही 1 बटा 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन हो चुका है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। पहले हम ए एन से एन ज्ञात करेंगे, एन ज्ञात होने के बाद में एस एन वाला सूत्र लगा करके और योगफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले ये स्टेप उतारना है, फिर ये उतारना है, उसके बाद भी ये स्टेप उतारना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ठीक है ना। थोड़ी सी गलती करने पर आपका पूरा सवाल गलत हो सकता है, इसलिए आसानी से ध्यान से देखने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। वीडियो को चाहे बार बार वापिस घुमा के आप ले सकते हैं इसको, ठीक है, पीछे लेके वापिस देख सकते हो, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखना, आप ये आंसर मिला लेना अपनी बुक से, ये राइट आ रहे हैं क्या, ठीक है, चेक भी करते रहना और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, ठीक है ना। समझ में आया है, यदि आंसर में कोई गड़बड़ी आ रही है तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है इसमें 34 + 32 + 30 + ++ करके उसके बाद में लिखा हुआ है 10 + ++ का 10 लिखा हुआ है, ठीक है, और योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो a बराबर को क्या आ जाएगा, यहां लिखेंगे हल, a बराबर 34, d बराबर 32 - 34, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है, और an कितना हो जाएगा 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले an वाला सूत्र लगा लें, a + n - 1 d = 10, a कितना है 34, ठीक है ना, यहां लिखा करो 34 आ गया, और प्लस एन ज्ञात करना है n - 1, डी कितना है -2 है, कितना है -2 = 10 आ जाएगा, फिर यहाँ लिखो 34 + इससे गुणा कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा -2 एन हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 34 और 2 कितने होते हैं भाई 36 होते हैं, कितने होते हैं 36 - 2n = 10 हो जाएगा, ये -2n यहीं रह जाएगा 36, ये +36 है ना, इधर आके -36 हो जाएगा, -2n - 26 आ जाएगा, -- कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 2n = कितना 26 हो जाएगा, n = क्या आएगा 26/2 आ जाएगा, n = कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा n = 13। अब हम Sn वाला सूत्र लगाएंगे, Sn, Sn का सूत्र होता है n/2 2a + n - 1 d, ठीक है, n का मान कितना 13/2 हो जाएगा, तो a का मान कितना है अपने पास में 34 प्लस n का मान कितना है 13 - 1, और d का मान कितना है आपके पास, d आपने निकाला था -2 है था, ठीक है, यहां लिखना भी ध्यान से जरूरी है, 13/2 34 × 68 होते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये ध्यान रखना, 13 में से 1 जाएगा 12 बचेगा, 12 को 2 से गुणा करोगे -2 है, 12 × 24 होते हैं, -24 आएगा, क्या आएगा -24 आएगा, ठीक है। आगे उतार लीजिए, n बराबर 13/2, 68 में से 24, 8 में से 4 जाएंगे 4 बचेंगे, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेंगे, ठीक है। अब ये कट जाएगा 2 से, 2 × 4 2 × 13 × 22, 13 × 22, 13 × 2 कितने होते हैं 26, असल 2 13 × 26 और 2 कितने होते हैं 28, 286 आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 286 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, एकदम सरल क्वेश्चन था, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, इसका
दूसरे में तीन ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और तीसरा क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका। तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तीसरे क्वेश्चन में माइनस का पांच, फिर प्लस, फिर लिखा हुआ है माइनस का आठ, फिर प्लस का निशान, माइनस का ग्यारह लिखा हुआ है, फिर प्लस करके और ये डैश डैश करके और लास्ट में लिखा हुआ है माइनस के 230 लिखा हुआ है। माइनस का प्लस का निशान है माइनस 230, और आपको योगफल याद करना है। क्या याद करना है? योगफल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हल ए बराबर माइनस का पांच, ठीक है, बी बराबर क्या होगा माइनस का आठ, माइनस और माइनस पांच ऐसे करना है। तो माइनस का आठ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए पांच, तो डी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का तीन आ जाएगा, माइनस की संख्या बढ़ी ना, ठीक है। और ए एन कितना दे रखा है आपको, माइनस का 230 दिया है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए आप लोग, ए एन का सूत्र तो आपको पता ही है, ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर माइनस का 230। ए का मान कितना है आपके पास में, माइनस का पांच, ठीक है, या करके लिखो माइनस पांच प्लस एन ज्ञात करना है। डी का मान कितना है, माइनस का तीन है, माइनस का तीन लिख दीजिए, और माइनस का 230 है, ठीक है, फिर या लिखो माइनस का पांच। अब देखो माइनस तीन किसमें गुणा करो, तो माइनस का तीन एन और प्लस का तीन बराबर माइनस का 230, ठीक है। ध्यान रखना माइनस तीन की एन में गुणा करेंगे तो माइनस तीन आएगा, माइनस तीन की माइनस एक में गुणा करेंगे प्लस तीन आएगा, ध्यान रखना माइनस का तीन है और प्लस का तीन है, माइनस का तीन प्लस का तीन, माइनस का पांच में से प्लस तीन जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास में, ध्यान रखना माइनस का दो बचेगा, क्या बचेगा माइनस का दो और माइनस का तीन, माइनस का तीन और बराबर में माइनस का 230 है। माइनस का तीन एन तो यही रख लो, माइनस का 230 है ये, माइनस का या एन नहीं लगेगा, ध्यान रखना गलती से मैंने लिख दिया है, माइनस तीन में से प्लस का, माइनस पांच में से प्लस तीन जाएंगे माइनस दो बचेंगे, और ये माइनस का तीन था ही, अब ये माइनस तीन यही रह जाएगा, माइनस का दो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का दो हो जाएगा, ठीक है, माइनस का तीन एन बराबर में माइनस का 228 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपने पास एन बराबर 228 बट्टा तीन आ जाएगा, एन बराबर तीन सप्ताह 21 होते हैं, एक तीन चिंग 18, ठीक है ना, एन बराबर कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। अब योगफल याद है, सूत्र लगा दीजिए एस एन बराबर, ठीक है ना। एक सूत्र और होता है ध्यान रखना, एन बट्टा दो सूत्र होता है ए प्लस ए एन, ये भी होता है, ये ध्यान रखना, एक सूत्र ये भी होता है, ठीक है ना। दो क्वेश्चन किए थे उसमें भी लगा सकते थे हम लोग, एन का मान कितना है 76 बटा दो, ए का मान कितना है माइनस पांच लिख दीजिए, प्लस ए एन कितना था हमने पास में माइनस का 230 है, ठीक है, इसको ऐसे लिखना माइनस का 230, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आगे, 76 में दो का भाग लगाएंगे क्या आएगा, एस एन बराबर 38 आ जाएगा, ठीक है, माइनस पांच है और ये माइनस 230 तो माइनस के 235 हो जाएंगे, माइनस का 235, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 235 के अंदर 38 की गुणा करनी है आपको, ठीक है, 235 और 38 की गुणा करनी है, ठीक है, और माइनस का चिन्ह हम आगे लगा ही देंगे, गुणा करो 8 5 40, हासिल कितनी होगी 4, 8 3 24 और 4 कितने होते हैं 28, हासिल 2, 8 2 16 और 2 18 क्रॉस, 3 5 15 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10 हासिल 1, 3 2 6 1 7 0, 8 5 13 हासिल 1, 6 1 7 और 7 1 8, 8730 हो जाएगी, 8730, ठीक है ना, कहीं गलती तो नहीं कर दी आप लोगों ने, ध्यान से देख लेना, 8 5 40 0, 8 3 24 और 24 4 28, 8 2 हासिल 2, 8 2 16 और 2 18, ध्यान से देख लीजिए कितने आ जाएंगे, यहाँ गलती कर दी ना आप लोगों ने, 18 आएंगे, 8 2 16 16 2 18 आएंगे, ध्यान रखना, हाँ वापिस करिए, 3 5 15 हासिल 1,
तीन तीन नौ एक दस हासिल एक, तीन दो छह एक सात जीरो, आठ पांच तेरह हासिल एक, आठ एक नौ आ जाएगा, कितना आ जाएगा आठ एक नौ और सात रेखा 8930 आ जाएगा और माइनस का निशान है 8930 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी गलती आपका पूरा सवाल गलत करा देती है, ध्यान रखना नंबर कट सकते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरे के अंदर तीन क्वेश्चन थे, तीनों तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पहली बार यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।